हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC शेयर के ऊपर, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे RBNL के ऊपर और IRCTC के ऊपर। तीनों ही स्टॉक के ऊपर हम लोग डिटेल में देखेंगे स्टॉक किस लेवल तक नीचे फॉल कर सकता है, आगे हम लोगों का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी बातों पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। टेक्निकली डिस्कस करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं IRFC शेयर के ऊपर। IRFC के शेयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में हम लोगों को 10.25% का एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे अगर बात करेंगे 3.20 रुपीज लूज करके स्टॉक जो है 28.05 रुपीज के लेवल पे क्लोज हुआ है। मॉर्निंग सेशन से ही एक शानदार यहां पे हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ऑलमोस्ट जो है स्टॉक अपने डे के लोअर साइड पे ही क्लोज हुआ है। अगर पूरे वीक में बात करेंगे तो पूरे वीक में स्टॉक जो है तकरीबन 13% से ज़्यादा टूट के क्लोज हुआ है और वीक के लोएस्ट लेवल पर ही स्टॉक जो है आपको क्लोज हुआ है। अगर बात करेंगे वन मंथ में तो स्टॉक लास्ट वन मंथ में तकरीबन 12.5% टूट चुका है। याद होगा इससे पहले जब हम लोगों ने एनालिसिस वीडियो किया था IRFC और RBNL के ऊपर, वहां मैंने आपको क्लियरली बताया था इस स्टॉक में वेट कीजिए, ऑलरेडी जो है यहां पे रैली आ चुका है, आपको वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट का। जितने भी लोगों ने वेट किया है, जितने भी लोगों को उस एनालिसिस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है, डेफिनेटली जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर बात करेंगे हम लोग IRFC के चार्ट पे, डेली चार्ट में अगर क्लियरली देखेंगे, एक अप ट्रेंड के बाद हम लोगों को एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है और उसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। क्यों? यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेकलाइन था 30.30 रुपीज का, स्टॉक आपको शानदार अपमूव किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे पुल बैक आया, वापस से यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रेंथ गेन किया, बट स्टॉक यहाँ पे हम लोगों को एक डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखा और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे इस नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है। अब अगर बात करेंगे डेली चार्ट पे, जो इंपॉर्टेंट लेवल है डेली चार्ट पे इस स्टॉक के लिए जो सपोर्ट है 26.70 रुपीज से 27.50 रुपीज, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डेली चार्ट पे, और इसके बाद जो स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 24-25 के रेंज में। तो स्टॉक अभी करेंटली जो है आपको डेली चार्ट पे सपोर्ट के लेवल पे ही क्लोज हुआ है, बट यहाँ पे क्या स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, लेगा या फिर सपोर्ट इस स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये हम लोगों को मंडे के सेशन में पता चलेगा। अगर बात करेंगे हम लोग वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे क्लियरली आपको यहाँ पे दिखेगा जो स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम आया था 21 रुपीज से, ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तकरीबन स्टॉक ने 37 का हाई लगाया और उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने आपको वीकली बेसिस पे भी इस डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है और उसके बाद नेकलाइन ब्रेक हुआ है, एक बड़ा रेड कैंडल हम लोगों को फॉर्म होता हुआ दिख चुका है। तो यहाँ पे अगर वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो इस स्टॉक के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है आपको 26 का लेवल, क्योंकि अगर बात करेंगे स्टॉक ने इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा मोमेंटम दिया था, स्टॉक का ऑल टाइम हाई था और उस लेवल को ब्रेक करने के बाद स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आया था। तो अभी यहां पे जो है वापस से स्टॉक इस लेवल को रिटेस्ट करता है, अब रिटेस्ट एक बार इस लेवल को करेगा उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा जो स्टॉक इस लेवल को सपोर्ट लेके ऊपर की साइड का कुछ पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है या फिर स्टॉक जो है इस लेवल के नीचे क्लोज हो जा रहा है। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, अगर स्टॉक 25 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो फिर स्टॉक वापस से आपको इस चैनल पैटर्न में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जहां पे कि स्टॉक पिछले कई महीनों से आपको ट्रेड कर रहा था। अगर 25 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉक वापस से इसी चैनल पैटर्न में आप लोगों को ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए अभी अगर इस गिरावट में आपको नहीं बाय करना चाहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, स्टॉक अगर पॉजिटिव साइन देता है तो फिर हम लोग वापस से बाई करने के लिए देखेंगे, अगर पॉजिटिव साइन नहीं देता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को देखेंगे।
सेकंड स्टॉक की बात करेंगे आरबीएनएल। आरबीएनएल में स्टॉक में जो है आपको थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही सेशन में लोअर सर्किट लगा हुआ था। यहाँ पे बात करेंगे फाइव ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है तकरीबन 9.5% टूट के क्लोज हुआ है 63 रुपीज के लेवल पे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको थर्सडे के सेशन में भी लोअर सर्किट लगा हुआ था और फ्राइडे के सेशन में भी लोअर सर्किट लगा हुआ था। अपने 52 वीक हाई से स्टॉक जो है तकरीबन आपको 20 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे आरबीएनएल के केस में भी हम लोगों को सेम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जो पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों ने आईआरएफसी के केस में देखा। बट यहां पे जो है आपको लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है और स्टॉक में जो है डाउन साइड अभी के चार्ट सेटअप पे अगर देखेंगे तो क्लियरली डाउन साइड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब किस लेवल तक डाउनसाइड आ सकता है, स्टॉक जो है वापस से आपको 44-45 का लेवल यहां पे रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अगर बात करेंगे तो वीकली चार्ट में उससे पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। बात अगर करेंगे डेली चार्ट के ऊपर तो डेली चार्ट में जो है आपको इन बिटवीन में एक सपोर्ट है समवेयर अराउंड आपको 56-58 इस लेवल पे एक सपोर्ट है। तो स्टॉक इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है वेल एंड गुड, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक को जो है आपको 50 के लेवल पे एक सपोर्ट मिल सकता है और 50 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर जो है आपको 44-45 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली जो मार्केट आपको क्या करना चाह रहा है, हम लोग पहले से यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेकर रिवर्सल साइन देता है बाइंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इनकेस ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट लेवल का। तो अभी जो है आपको इस फॉल में बाय नहीं करना है। बहुत से लोग यही गलती कर रहे हैं जो जैसे ही मार्केट गिरा वहां पे फॉल में उठाना स्टार्ट कर दिए, तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर इसको इस शेयर को वापस से ऊपर जाना होगा तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, तो इसीलिए आपको यहां पे जो है इमीडिएट जंप नहीं करना है। थर्ड स्टॉक बात करेंगे आईआरसीटीसी के ऊपर। आईआरसीटीसी में तकरीबन 5% का गिरावट फ्राइडे के सेशन में हम लोगों को देखने को मिला। पूरे वीक की बात करेंगे तो इस स्टॉक में भी तकरीबन 10% का गिरावट के साथ जो है स्टॉक आपको वीक के लोअर साइड पे ही क्लोज हुआ है और 1 मंथ के बेसिस पे भी स्टॉक जो है तकरीबन 15.5% लूज करके 1 मंथ के लोएस्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर इस स्टॉक के हम लोग चार्ट के ऊपर बात करेंगे वीकली चार्ट में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी स्टॉक जो है आपको क्लियरली डाउन साइड में क्रैक डाउन करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस स्टॉक में जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट नीचे की साइड आपको 556 का लेवल है। अभी भी अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है स्टॉक के पास सपोर्ट जो है वो 50 पॉइंट नीचे है। तो अभी इस स्टॉक में आपको वेट करना है। ऊपर की साइड से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन से स्टॉक को रेसिस्टेंस फेस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टॉक को ऊपर जाना है तो स्टॉक को आपको यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज देना होगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ब्रेक करके क्लोज नहीं देता है इस स्टॉक में हम लोगों को बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। बात अगर करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर, नेक्स्ट वीक में मंथली चार्ट क्लोज होने वाला है तो मंथली चार्ट में क्लियरली आपको एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक बड़ा अप मूव आया था, उसके बाद से अगर देखेंगे तो फर्स्ट टाइम सेल ऑफ, वापस से पुल बैक, अगेन यहाँ पे सेल ऑफ स्टार्ट हो चुका है। नेकलाइन की बात करेंगे 550 का लेवल जो है वो आपको नेकलाइन है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इस लेवल के नीचे मंथली कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में और भी बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर मंथली चार्ट में बात करेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो आपको अराउंड 360-400 का लेवल है, तो इस स्टॉक में उसके बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी वेट कीजिए, आगे आपको प्राइस एक्शन किस टाइप से अनफोल्ड होता है उसके ऊपर ही हम लोग इन सभी स्टॉक्स में डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी फॉल में आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ना ही अपने पोजीशन को एवरेज करने का और ना ही फ्रेश बाइंग पोजीशन लेने का। अगर यहाँ पे आपको एट ऑल प्राइस ऊपर जाएगा, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देखा स्टॉक को ऊपर जाना था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट दिया, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया, ब्रेकआउट दिया। जितने भी लोगों ने इस चैनल को फॉलो किया होगा उन लोगों को मैंने क्लियरली बताया था जो यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है ऑल टाइम हाई का, स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो सेम उसी टाइप से आपको वापस से अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आप खुद से नहीं ट्रैक कर सकते हैं इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।